वेलकम बैक टू जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। और आज मैं ले आया हूँ आपके लिए, मैं दिखा देता हूँ, मैनुअल रिमोट कंट्रोल थ्री वे टिल्ट कंट्रोल स्विच। तो इसकी मदद से हम किसी भी तीन चीज को इस रिमोट की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। और इसकी रेंज 10 से 20 मीटर की है। मैंने इसको पर्सनली अपने पंखे के लिए यूज़ करता, बस दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि इसमें एक मेमोरी चिप कह लो या इसकी याददाश्त के लिए जो चिप लगाई जाती है उसका सिस्टम नहीं है, यानी कि जब तक लाइट आ रही है ये काम करेगा। और अगर आपका इसके द्वारा स्विच बंद भी है तो लाइट आने पे ये ऑटोमेटिक सब चीज़ स्टार्ट कर देता है। तो मेरे को ये इसमें ख़राबी लगी जिसकी वजह से मैंने निकाल दिया। लगभग 1.5 साल तक मैंने ये यूज़ किया। और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैंने डाल लगे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मैंने इसमें एक टैग जुगाड़ किया है, एक इलेक्ट्रिक जी के इलेक्ट्रिकल जुगाड़ किया है, जो मैं क्योंकि ये 3 रिले है और 12 वोल्टेज के रिले है तो ये तो कंपलसरी के चलेगा DC वोल्टेज पे। तो मैंने इसकी जो पावर की आउटपुट है वो DC कर दी है। जो इसमें हम पावर देंगे वो सीधा बैटरी से देंगे क्योंकि बैटरी की टाइम लॉन्ग टाइम तक होती है ना, उसमें कोई कट का ऑप्शन मिलेगा इसको ना कुछ, यानी इसको हमेशा लाइट चाहिए। अगर आपका चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा पंखा स्टार्ट ना हो या जो भी आपने इसे कनेक्ट कर रखा है वो स्टार्ट ना हो तो इसके लिए आपको लाइट चाहिए। और एक बार मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैनुअली ना करके हम रिमोट से अपनी घर के अप्लायंसेस को चलाएं तो इस किट को आप मंगा सकते हो। मार्केट में अगर आप रिमोट वाला पंखा लेने जाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार या 3500 का अराउंड मिलेगा। 3500 से कम शायद मिल भी जाए, मे भी मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो इस तरह के 500-400 के किट की मदद से आप अपने घर के अप्लायंसेस को रिमोट मैनुअली या रिमोट दोनों तरीकों से चला सकते हो। फिलहाल मैंने इसको निकाल दिया, बट मैं आपको इससे अपनी कमरे की LED लाइट्स चला के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि काम कैसे करता है और फिर इसके अंदर का भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर आपको इसके एक बार चला के दिखाता हूँ और फिर मैं इसके अंदर का दिखाऊंगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, चैनल पर नए चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आती रहे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा SMPS है, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट AC से भी चला सकते हो, बट आपको अगर चाहिए कि क्योंकि इसमें मेमोरी चिप जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है तो लाइट आने पे ऑटोमेटिक तीनों चैनल्स को ऑन कर देता है। तो मैंने इसको जहाँ से इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया वहाँ से DC जो पावर कन्वर्ट होकर इसके मेन सर्किट में जाती है वहाँ से मैंने ये वाली वायर निकाली है। अभी खोल के भी दिखाऊंगा ये वाली वायर निकाल के जो कि अपने पावर सप्लाई SMPS में दिया है, प्लस माइनस। और ये LED लाइट की नेगेटिव वायर है और जो प्लस वायर है वो इसमें जोड़ रखी है और इसी की प्लस वायर इसके अंदर जोड़ रखी है। और ये रहा हमारा रिमोट और C चैनल पर मैंने इसको जोड़ा है। तो अब देखना ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो एक बार दिखा दूँ मैं, कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल। और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है उस चीज़ को मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी हमारी सब चीज़ LED लाइट ऑफ है और मैं यहाँ से अपने SMPS की पावर कट करूँगा और पावर कट करने के बाद अब ऑन करते ही पहले मैं अपने SMPS पावर की पावर फुल कट कर देता हूँ और ऑन करते ही देखो ये जल गई। एक बार और मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह मैंने बंद करा, SMPS की ग्रीन LED बंद हो चुकी है, लाइट आते ही अपने आप ऑन हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको अपने बोर्ड में से निकाला है। Play by USB drive. तो इससे बचने का एक आसान तरीका यही है कि हम इसकी जो सप्लाई है उसको बैटरी से दें ना कि मेन लाइट से। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इन्वर्टर नहीं है लाइट भगने की दिक्कत होती है तो आप इसकी पावर सप्लाई को बैटरी से दें। अब मैं इसके अंदर का दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये निकाल लिया मैंने ना, वायरिंग इसकी बहुत आसान है। तो सिंपली छोटा सा सर्किट है, ये Arduino सर्किट आप इसको कह सकते हैं। इसे
ये जो चिप्स हैं प्रोग्राम चिप्स हैं, और 3 रिले हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। रिले के नंबर्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँ तो प्लस माइनस के तार आप इन दो जगह पर ग्राउंडिंग और पॉजिटिव देख के दे सकते हो, और कुछ इस तरीके से इसको चला सकते हो। अदरवाइज़ अगर थोड़ा और इसका टैग जुगाड़ करें हम, तो हम इसको अपनी बाइक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी के कनेक्शंस के पास कट होने पर। आप जब रिमोट से स्विच दबाओगे जब ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इस तरह के टैग जुगाड़ के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम भी ला सको। और कमेंट में बता देना कि क्या इसको बाइक में लगाना सही रहेगा या नहीं। और हमें से कहता थैंक्स फॉर वॉचिंग।